गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज भी हम इसलिए सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमको कहीं जाना है और मुझे अपना कौन जा रहे हैं बेदार अम्मा। हाँ जी, आज बेदा के साथ अम्मा का आउटिंग होगा। हाँ जी, आउटिंग तो बहुत बढ़िया। अम्मा का चेकअप है आज और बेदा को वापस अपने घर निकलना है। बट मैं ये कह रही थी कि मुझे ना अपनी जिंदगी देख के एक गाना याद आता है। मम्मी बताओ कौन सा। क्या जिंदगी एक सफर। बिल्कुल यही वाला गाना याद आता है मुझे। ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरा टाइम सफर ही करते रहते हैं बट फिर भी ये सफर बहुत सुहाना है। और फिलहाल के लिए हम सब रेडी हो चुके हैं और गाड़ियों में सामान भी लोड होना शुरू हो चुका है और आधा सामान यहाँ पे है, बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ तक। क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताई चुकी हूँ। बाकी रास्ते में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये आदान प्रदान कैसे हो गया? नहीं, नैंसी बोल रही थी ना कि आप और वेदा हमारे साथ आना, पर इसने दूध पीना था वेदा ने। ओए ओए, इधर दे बेटा मेरे को। नहीं, मुझे पकड़ना है। मम्मी ये लो। अब क्या करें, जब दो दो जोड़े जा रहे हो ना तो माँ को तो बराबर वो रखो। आधा रास्ता एक के साथ हो गया है बच्चा, और बच्चा जब एक ही हो तो उसको जबरदस्ती अपने साथ ही लाना होता है। तो अभी हमने ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था। ये सोचा था कि टाइम से हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए हमने रास्ते में खाने का सोचा, इससे पहले कि बेटा कुछ गलत ऑर्डर कर दे। गलत ऑर्डर नहीं, मेन्यू ही खा ले। मेन्यू ही खा ले, कुछ खाने को मंगवाते हैं। हाँ। तुमसे ज्यादा तो इसको है कि मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ। जिसमें उंगली लगाएगा वही खाऊंगा मैं। मैं उंगली वही लगाऊंगा जो मुझे पसंद है। और सोचो बेटा हाथ छुड़ा के खुद लगा ले। मुझे देखने दे, राजत तो बोल ही दिया है, अब मेरा खाना भी बता दे क्या खाएगा। रोहिंदी बोल रही थी, नैना भी बोलती है। नैना बोलो, नैना ये मौसा मौसी की लाडली है ना, इसलिए करो ऑर्डर। बेटा अभी मजा आ रहा है ना, बाद में पढ़ाई करने में मजा नहीं आता इतना। हम तो पढ़ेंगे जी, बाद में भी पढ़ेंगे। सारा ऑर्डर पढ़ दिया इसने, सारा मेन्यू। यस, कैसा है खाना? मजेदार। और हमें आज पता लगा कि पूछ रहे हो तुम कि नहीं नहीं, रिकमेंडेशन तो मेरी है। मुझे आज पता लगा इनसे कि इसको फोनी फा बोलते हैं। हम इधर फो, अच्छा हम फू फू बोले जा रहे थे। आपका खाना हो गया। ओए ओए, क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्ट करना है। ओ खाते रहो चुपचाप। किसके पास है? सर्दी हो गई है ना, क्रीम लगाई है। चलो तो अभी खाना हो गया हमारा, फिर बहुत काम है यहाँ, वो करवाते हैं और उसके बाद चंडीगढ़ निकलेंगे। ओके। लो सारे बैग आ गए। अब तुम मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। लाती हूँ, बट मैं अभी अपने बैग में चार्जर ढूंढ रही हूँ। ये डाउट है, मैं भूल गई चार्जर। हाँ, सो गाइस अभी हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं और फिर तुम्हें पानी पिला। मैं वॉशरूम जा के आता हूँ, ठीक है? कौन सा रूम है? इधर चले जाओ। अच्छा, तुमने पहले सामान रख दिया। दो महीने से मैं और रजत ये एच के वाइटल्स का वेज कॉलेजन यूज कर रहे हैं। वैसे तो हम इसको यूजुअली लंच के बाद ही लेते हैं। ये ना जब आप ठंडे पानी में लेते हो ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग भी लगता है। तुमने गीजर ऑन किया ना? यहाँ पे भी गीजर चाहिए तुमको? ऑफ कोर्स यार, ये तो होता है हम पहाड़ियों के साथ प्रॉब्लम कि हम जहाँ मर्जी जाएं गर्मी में या सर्दी में। तो अभी नहाते हैं और फिर मार्केट चलते हैं थोड़ा फ्रेश हो। तो जी अभी हम फ्रेश हो चुके हैं और अब सब अपने अपने काम के लिए निकलेंगे। और हमारा तो रोहिंदी समझ में आ रहा है, ठीक है हम फ्रेश हो गए। मम्मी किस लिए फ्रेश हुए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेश ना हॉस्पिटल जाने के लिए कौन फ्रेश होता? हॉस्पिटल के लिए फ्रेश होना पड़ता, नहीं तो डॉक्टर कुछ नहीं, डॉक्टर ऐसे बोलेंगे कि ये तो सच में ही पूरी तरह का पेशेंट है। अच्छा, तो फ्रेश है, ताकि डॉक्टर मम्मी को पेशेंट ना बता पाए इसलिए मम्मी रेडी हुए हैं। और कोइंसिडेंस देखो कि मेरे और वेदु के कपड़े हमेशा मैच मेरे हो रहे हैं, मेरे भी तो हो रहे हैं। हाँ चलो मम्मी, हम तीनों एक टीम। चलो चलो वेदु और हम। वैसे तो इसके साथ मेरे साइज से जैकेट जबरदस्ती छीना तो अभी हम मम्मी के चेकअप
अभी हम मम्मी के चेकअप के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जब सब डॉक्टर कह लेंगे सही है उसके बाद हम थोड़े थोड़े और काम है। हाँ पार्टी भी करेंगे और मम्मी ने खाना भी लेती थी, दवाई भी लेनी है। हाँ तो चलो जी अभी चलते हैं। हमारी फैशन डिजाइनर सिस्टर को देखो या ये सूट में मम्मी ने बताया मुझे कि मोतियां नैनू ने लगवाए हैं। या ये प्लान, ये पूरा प्लान था, इसमें पूरा डिजाइन है, पजामे में भी लगा है। सो गाइस इफ यू वांट टू मेक एनी ऑर्डर प्लीज डीएम ज्योतिका दिले। यस अरे मुझे मजा आता है ऐसे कामों में तो हाँ अभी निकलते हैं क्योंकि वेदा क्रैंकी हो जाएगी, इससे पहले हमको निकलना चाहिए यहाँ से और नैना को दूध देना पड़ेगा ना, इसलिए निकलना पड़ेगा। A few moments later. तो अभी हम हॉस्पिटल तो पहुँच गए हैं, एक्चुअली हमको मम्मी का आई चेकअप कराना था इसलिए आए हैं। आए तो हम सब साथ थे बट रोहिंदी वगैरह की गाड़ी पता नहीं कैसे खराब हो गई और वेदा हमारे पास ही है और रोहिंदी को ये डर है कहीं वो रो ना जाए, तो पता नहीं अब वो कब को पहुँचेगी। तो हमने कहा कि कैसे ठीक हुई फिर गाड़ी है, गाड़ी कैसे ठीक हुई? अरे पता नहीं कल भी मतलब जैसे ये गाड़ी बाहर निकला तब चलाई तब चली और आज मैं जब बाहर जाने चला। मम्मी एक पेशेंट और आपके साथ कितने अटेंडेंट्स है? पांच पांच तो अभी हम लोग फ्री हो गए हैं आज, मतलब बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगा और नैना वगैरह अभी बस निकले, अब मैं और मम्मी जा रहे हैं, हमको थोड़े बहुत काम है खुशी खुशी से। और अच्छी बात यह है कि मम्मी की रिकवरी अच्छी हो रही है, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोला कि बहुत बढ़िया से हो रहा है और जल्दी मम्मी वापस से, वैसे तो सही है बट थोड़ी आँख में दिक्कत थी तो वो भी ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में। तो अभी चलते हैं नैना वगैरह के पास, इसको हम ले जाते हैं ना, आप गाड़ी ठीक कराया हो वरना अभी लंबा सफर है आपका फिर खराब हुई तो। चलो मम्मी चलते इसको लेकर ना। नहीं भैया ये वेट भी साफ हो जाएगा, बहुत गंदे हो जाते हैं सर, फर्स्ट टाइम लैग में ऐसा हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। कर दो फिर कर दो, कितने रुपए? थोड़ा देख तो लोगे कैसा होता है भैया, पहले रुपए बताओ भैया मुझे, ऐसा बता के करूंगा ऐसे नहीं करूंगा, एक शूट करना भैया थोड़ी दिखा रहा ना भैया कैसी कैसी होती है बेलवेट भैया। पर पैसे बोलो भैया, ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, नहीं रहा हूं मैं, सैंपल दिखा रहा हूं। नहीं नहीं मैंने करवाने साहब, पहले बताओ कितने में होंगे भैया, पैसा बता के करूंगा ऐसे नहीं करूंगा, नहीं पसंद आएगा मत कराना भैया। नहीं नहीं कराना तो मुझे है ही। वाह भैया चमका तो दिया आपने, अभी तो वो होगा ना भैया। लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है कि आधा साफ कर दो, जिसको करवाना भी नहीं होगा फिर उसको भी करवाना ही पड़ेगा पूरा साफ। वेदा ही खाना चाहती है ऐसा लग रहा है। मम्मी ये है बरीटो आपका, मतलब मैं और आप शेयर करेंगे ठीक है या? हमें चटपटा दिया था, कुछ भी नहीं चटपटा, ये भी इसी में आएगा, ऊपर से डाल दो। ये मिक्स है, विटामिन सी लेते हैं, चलो थैंक यू। ये वीट नूडल्स है जो नैना घर पे बनाती है, खा कर देखो। भैया ने जूते बढ़िया साफ कर दिए, अब इनको पहनते हैं। ठीक है भैया थैंक यू। ठीक है जी थैंक यू। तो हमने बताया था आपको कि अभी घर में एक शादी है, उसी के लिए कपड़े मंगवाए थे, बस अभी मैं इन्हीं को रिसीव करने आया था, अब चलते हैं वहां वापस जहां नैना वगैरह है। गेट बंद कर ले गाड़ी का नैना पीछे, मैं नहीं ऑन रखती गाड़ी, इनके साथ कॉमेडी पता क्या है कि इनकी गाड़ी खराब हो चुकी है तो अब ये दुख है मुझे, गाड़ी भी नहीं चाहती कि आज आप वापस जाओ। इसीलिए आज हमने सोचा है कि हम शिमला वापस जाएंगे। चलो बाय कर, मौसी की याद नहीं आएगी? आएगी नहीं, ये कह रही है रुको आएगी, पंगे नहीं लेने, कह रही है रुको। अरे हमको बहुत जरूरी है हाँ, और हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है शादी के। एक्चुअली मेरे ससुराल में शादी है ना, मेरे ससुराल में भी है ना, है या हम कल शॉपिंग करेंगे। मॉम हमारे ससुराल में शादी है, बट यू आर नॉट इनवाइटेड मॉम, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो इनवाइट किया मम्मी को है ना। और क्या, वो तुम्हारे भी बुआ के बेटे की शादी है, हमारे भी बुआ के बेटे की शादी, एंगेजमेंट है, शादी आगे फेब्रुअरी। बस अभी निकलने का टाइम आ चुका है, हम भी अब वापस शिमला निकल रहे हैं और ये लोग वापस वैसे बिजनौर जा रहे थे बट इनकी गाड़ी खराब हो गई तो इनको गाड़ी की सर्विस एंड ऑयल करानी पड़ेगी। मैकेनिक के जा रहे थे
तो अब इनका सस्पेंस है कि अगर गाड़ी टाइम से ठीक होती है तो ये वापस जाएंगे, नहीं तो ये नहीं जाएंगे। और पता है रोहिंदी ने ऐसे नहीं जाने देना, यहाँ पे स्पेशली इसलिए रुकवाया। हाँ जब मेरे को दे दे थोड़ी देर। शॉपिंग क्या किया, इतने घंटे लगाए पता तो चले लिया। देखो अब रजत थोड़ी देर रुक जाना, तो अब रजत थोड़ी देर वेदा को पकड़ेगा और मैं तब तक रोहिंदी को दिखाती हूँ हमने क्या शॉपिंग किया। रोहिंदी को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे दिखा 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 मैं कर, चलो ठीक है दिखा लेती हूँ आप लोगों को। मैं भी कुछ नोटिस ना किया, इसके हाथ कभी चलते हैं ऐसे, चुप रहो। सो ठीक है मैं आप लोगों को नहीं रोहिंदी को दिखा लेती हूँ, आप लोगों को मैं एक दो व्लॉग के बाद दिखाई दूंगी क्या लिया। बाय कर दो सबको, बाय कर दो सबको। मुझे लगता है वेदा का भी सारा ध्यान शॉपिंग में, आफ्टर ऑल ये भी एक लड़की है ना, शॉपिंग में ध्यान। मोचा की याद नहीं आएगी वेदा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और अभी हमको सोलन में भी सामान लेना है, नैना को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, फिर हमको शिमला पहुँचना है। क्या हो रहा है, बाय बाय कर दो, बाय जल्दी मिलेंगे। करो मेरे बेटे, बाय करो। ओए वेदू नींद आ रही है इसे, बहुत नींद वाला, नींद वाला, सो जा। चुई चुई कर, बाय नहीं करनी मौसा को, मौसा जा रहा है, बाय राजा राजा राजा। कौन है रजत, कौन है रजत? तो बाय, हाँ निकल गए। तो अब मुझे ऐसा होता है रोहिंदी को छोड़ने का तो कुछ भी नहीं होता, बट यार वेदा से अलग होने के वक्त ना थोड़ा सा ऐसा बुरा सा लगता है कि काश थोड़ी देर और फिर जैसे वेदा को ऐसे करो ना आजा आजा आजा, वो एकदम से तैयार हो जाती है आने के लिए, फिर तो उस पर और भी ज्यादा प्यार आता है। बट चलो उनको भी अपने रास्ते जाना था और हमको भी अपने रास्ते जाना है। अब तो मिलेंगे पता नहीं कितने दिनों बाद, अब तुम तो मिलने भी नहीं सच। तो वही तो जब हम सोचते हैं ना कि हाँ अभी तो मिलना है तो हमारे मिलने के प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि अब काफी टाइम बाद मिलेंगे तो मिलना हो जाता है। अभी कोई एज सच कोई प्लान ही नहीं है अभी आगे का, जैसे पिछली बार जब हम साथ थे ना तो हमको ऐसा था कि अभी मिलने हैं, तो डिसाइडेड था कि व्हेन आर वी मीटिंग नेक्स्ट। अभी ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, बट प्लान तो बन ही जाता है। ये तो है, जैसी सराउंडिंग में आती है ना वेदा तो मैं और रजत कैसे हो जाते हैं यार, थोड़ी देर तो चले ही जाते हैं, मिल तो आते ही है। सो यस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं शिमला की ओर, बट अभी शिमला नहीं जा रहे हैं, हमको बीच में एक जगह और रुकना है क्योंकि अभी मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है सोलन में। हाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत जरूरी, जो इतने टाइम से हमारा छूट ही रहा है हमेशा, वो सामान तो है ही है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत और छोटी मोटी चीजें हैं जो मम्मी ने हमसे लिखाई थी, तो वो भी सोच रहे हैं कि अगर मिल जाती है मार्केट में वहाँ पे। कपड़े आ गए हैं भाई, पीछे गाड़ी में डाल दिए हैं तो जोर शुरू से चल रही है तैयारियां, तो आपको बड़े मजेदार व्लॉग्स देखने को मिलने वाले आने वाले टाइम में। और फिलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं, तुम एसी ऑन कर दो, मुझे गर्मी लग रही है। तो जी अभी हमने लिया है 5 मिनट्स ब्रेक ताकि रजत अपना पावर नैप ले ले, हम में से कोई बात भी नहीं कर रहा है, गाड़ी में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी और ऊपर से खाना खाया हुआ था तो थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो इसलिए रजत ने सोचा मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, सो गया रजत। तो जी अभी हम सोलन के मॉल रोड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान लेना है और मम्मी को हम दिखा रहे हैं कि ये देखो ये है सोलन का मॉल। मम्मी कब से बोल रही है, मुझे पता ही नहीं है, पीछे जैसे पूछ लिया मम्मी ने ये मॉल रोड, मैंने कहा नहीं मम्मी ये नहीं है, तो बस स्टैंड है, मुझे पता ही नहीं कि सोलन में मॉल रोड है और कहाँ पे, पहली बार घूम रही हूं। कैसा लगा था, ये तो नहीं मुझे पता था कि आप पहली बार घूम रहे हैं, बट मॉल रोड नहीं मेला रोड लग रहा है, इतना बहुत रश है। वैसे तो कई बार गई हो, नहीं दर्शाएगी पर शाम को ट्रैफिक बंद हो जाता है तो इसे पता नहीं चला होगा। चलो जी तो अब करेंगे हम धासू शॉपिंग, ठीक है? पर वो ठीक से नहीं आया अभी गले में, मम्मी उसको टाइट करना थोड़ा। तो इतनी लंबी लाइन वहां तक ट्रेन की तरह लगा दी है भैया ने और साथ में अंकल ने मंगवा दिया पता नहीं खाने को क्या क्या। जो मेरा मंगल सूत्र था ना उसको थोड़ा सा मुझे रिपेयर करवाना था, भैया ने मुझे यार नया डिजाइन दिखा दिया, कितना सुंदर है, इसको देख के मन कर रहा है कि समझ रहे हो ना। अभी हम आए हैं कनिष्क ज्वेलर सोलन में, और वैसे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है हम यही आते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। यस अभी मैं देख ही जा रही हूँ कि क्या ले, सोचा तो मैंने यही था कि अपना जो रिपेयर का काम है वो करके वापस आ जाएंगे, बट यहाँ पे वैरायटी इतनी ज्यादा है ना कि मन नहीं भर रहा, और भैया दिखाए जा रहे हैं और मैं देख ही जा रही हूँ कि अच्छा चलो एक और देख लेती हूँ।
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती बनाते हैं मुझे। नहीं बहुत ही बढ़िया है। हाँ है तो सुंदर। थैंक यू जी। ये बढ़िया है। सोना खरीदो या ना खरीदो पर ये मुफ्त का खा कर जाओ। 2000 years later. चले जी। हाँ अब मेरा मन भर चुका है। देखो यहाँ का छोड़ो, बाहर का देखो, सारी दुकानें बंद हो चुकी है। अब जाके मन भरा है, बट मन के साथ साथ हाथ भी भरे और जेबें खाली हो गई। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है और क्या किया वो तो आने वाले टाइम पे बताऊंगी, अभी नहीं। मुझे लग रहा था तुम्हें भी भैया के साथ उस साइड बैठना चाहिए। नहीं मुझे जनरली ऐसे ज्वेलरी वूलरी समझ नहीं आती, बट ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही बढ़िया। बट हम बताएंगे जब टाइम आएगा। तो भैया कह रहे थे ऐसा सुना, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस ही ऐसा है। तो मान लेती हूँ। और नैना को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या? कि ड्रेसेस के साथ आएगी। हाँ, ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। मैंने सेट लिया है तो उसके हिसाब से मेरी ड्रेसेस नहीं जाएगी। अब मुझे एक सोचने के लिए काम हो गया, करूँ तो करूँ क्या करूँ। ये देखो लड़की पहुँच गई बेचारी, काम पे थी। भूख लगी है? चल मुझे भूख लगी, मेरे को साथ ही मिल गया। और सोच अभी तक हमारी शादी की शॉपिंग चल रही है। अच्छा मुझे लगा हमारा शादी। चल चल। एक्चुअली अभी गुड़िया अभी शिमला ही जा रही थी और आज ये पूरा दिन बिजी थी तो हमारे साथ ऑब्वियसली नहीं आ पाई। और अभी ये मतलब अभी इसको फ़ोन किया था तो ये आधे रास्ते में पहुंची, तो हमने सोचा कि इसको साथ ही लेकर चलते हैं शिमला। भैया को भूख तो लगी थी और उनको पार्टनर की और मुझे साथ और मुझे साथी चाहिए था खाने के लिए कोई, तो मिल गया है अब मुझे साथी और नैना। हाँ ये देखो अंदर ही है, ये अंदर। ये लो जी। तो अब पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, अब जाके हमारी शॉपिंग खत्म हुई है। बट मज़ा आ गया यार, जो जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी उससे भी ज़्यादा हमने शॉपिंग कर ली। बट एक तरफ बुखार भी आ रहा है, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट भी है सब पहनने की। और लच्छा परांठा, परांठा नहीं लच्छी टिक्की, लच्छी लच्छा टिक्की खा के मेरा। तो यस लच्छा टिक्की भी बहुत अच्छी थी। और आज का व्लॉग हम इसी के साथ यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। रजत कह रहा है अभी नहीं हुआ है एंड, इतना तो मुझे पता चली गया, अब तक तो ये एंड हो ही गया।